हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपने लेके आए हैं साम्यावस्था से लास्ट तालीय का नियम। बच्चों पिछली वीडियो में आपने जाना साम्यावस्था क्या होता है, कहाँ होता है और कैसे स्थापित होता है और कितने प्रकार का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था। बच्चों लास्ट तालीय को इंग्लिश में ली चैटलियर ही बोलते हैं, वो वीडियो इंग्लिश में था लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कतें हुई, उन्होंने कहा कि सर हमको हिंदी में कराइए, तो ये वीडियो ली चैटलियर प्रिंसिपल हिंदी में आपके लिए। अच्छा आज पढ़ाई तो बाद में होगी, पहले मैं कुछ आपसे इंटरेस्टिंग पूछता हूँ। मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, आपको यहाँ पे थोड़ी सी इमेजिन करनी है, हमारा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है एक्स, थोड़ा समझिएगा, मजाक मजाक में काम की बात है, आपके काम आएगी। एक्स बच्चा जो है हमारा वो सीट पे बैठा हुआ है, ऑटो जा रहा है और आराम से बैठा हुआ है खुल के, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद एक दूसरा बच्चा आता है जिसको ऑटो में बैठना है। आप समझ पा रहे हैं, अब ये जो हमारा वाई बच्चा है ये इस ऑटो में बैठना चाहता है, तो क्या एक्स इसको वाई को बैठने देगा? तो सर सीट तो खाली पड़ी है, लेकिन ये सीट जो है ये ऐसी है कि इस पर दो ही आदमी बैठ सकते हैं और बीच में बैठा हुआ है एक्स, तो वो क्या करेगा? एक्स क्या करेगा? वाई, वाई रिक्वेस्ट करेगा। जैसे ही वाई हमारा एक्स की ओर बढ़ेगा तो एक्स जो है वाई के आने पर इसके वाई के आने की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर है? और कुछ देर के बाद सीन कैसा होगा? कुछ देर के बाद सीन ऐसा होगा कि हमारा एक्स और हमारा वाई दोनों सीट पे इजीली बैठ जाएंगे। क्लियर है आपको? अब दोबारा से आपसे यही चीज़ पूछता हूँ कि ये हमारी सीट है, इस पे हमारा एक्स जो स्टूडेंट है वो बीच में बैठा हुआ है, अब की बार जो वाई है हमारा वो वाई ऑटो के लिए कुछ यहाँ पे खड़ा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं, ये हमारा एक्स बैठा हुआ है, ये वाई बैठा हुआ है, वाई कह रहा है कि भाई हमको अंदर आना है, तो बताइए एक्स किस डायरेक्शन में जाएगा? सर एक्स जो है वाई के आने की विपरीत दिशा में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे जाएगा। क्लियर है आपको? और जब ये ऐसे जाएगा तो यहाँ पे आपको दोनों कुछ देर के बाद दोनों बैठे हुए दिखाई देंगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारा लास्ट तालीय का नियम। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो साम्यावस्था होती है वो कभी भी अपने आप को विचलित होने नहीं देती। समझ पा रहे हैं आप? जी हाँ, वो हमेशा इस कंडीशन को, इस अवस्था को बना के रखना चाहती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड। जिनको क्लियर नहीं है वो साम्यावस्था का पहला वीडियो देखें, पहला भाग देखें, उनको क्लियर हो जाएगा। जिनको क्लियर है उनके लिए हम बताते हैं कि जब किसी भी अभिक्रिया में, प्रक्रम में साम्यावस्था आ जाती है तो वहाँ पे अग्र दिशा में होने वाली अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन की दर यानी रेट बराबर हो जाता है और यह अवस्था ही साम्य अवस्था कहलाती है। तो लास्ट ताली का नियम इसी साम्य अवस्था पर आधारित था। तो बस आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि साम्य अवस्था कभी भी अपने आप को सामान्य परिस्थितियों में विचलित होने नहीं देती, हटने नहीं देती, अपने आप को बिगड़ने नहीं देती। फ्रेंच वैज्ञानिक लास इतालिय ने सांद्रता, ताप, दाब में परिवर्तन करने से साम्यावस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट किया। बच्चों लास इतालिय ने यह बताया कि साम्यावस्था किस दिशा में जाएगा। जैसे अभी एक्स और वाई का एग्जांपल लिए था, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। ध्यान रखिएगा, आपको पता चलेगा कि अगर कोई प्रक्रम साम्यावस्था में है तो सांद्रता, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ताप और प्रेशर में अगर किसी एक में भी अगर आप चेंज करते हैं तो साम्यावस्था जो है वो अपनी जो दिशा होगी, दशा होगी, उसको वो बदल लेगा। तो उसको स्पष्ट किया हमारे लास इतालिय ने। कैसे किया, आगे बढ़ते हैं। लास इतालिय के अनुसार ताप, दाब या सांद्रता में परिवर्तन करने पर साम्यावस्था अपने आप को उस दिशा में स्थापित करती है जिससे हुए प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सके, क्योंकि साम्यावस्था अपने आप को विचलित होने नहीं देती है। ये आपको बताया था ऊपर। तो बच्चों आप जैसे ही साम्यावस्था में ताप या दाब या सांद्रता को आप परिवर्तित करेंगे तो साम्यावस्था उस परिवर्तन से हुए प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगी। बिल्कुल वैसा ही जैसे एक्स ने किया था वाई के आने पे, कुछ ऐसा ही आप देखेंगे कि साम्यावस्था जो है वो विस्थापित होगी जब ताप, दाब या सांद्रता में परिवर्तन करेंगे। अब लेते हैं साम्यावस्था पे प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव। अभिकारक
या रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ाने से साम्यावस्था अग्र दिशा में चली जाती है, चला जाता है, अर्थात उत्पाद अधिक बनता है। उत्पाद या प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ाने से साम्यावस्था जो है वो पश्च या बैकवर्ड डायरेक्शन में स्थापित हो जाती है, अर्थात अभिकारक अधिक हो जाएगा और उत्पाद कम। तो आइए एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। तो PCl5 गैस जो है वो साम्यावस्था में है PCl3 गैस और Cl2 गैस के साथ। अब आप देखिए यहाँ पे साम्यावस्था स्थापित हो चुकी है और साम्यावस्था जब स्थापित हो जाएगी तो अभिकारक PCl5 और PCl3 Cl2 गैस की जो सांद्रता होगी, मात्रा होगी, वो लगभग बराबर होगी। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कि हम यहाँ पे सांद्रता में कैसे परिवर्तन करें जिससे साम्यावस्था जो है वो हमारी अभिक्रिया के लिए प्रभावी हो जाए, सहायक हो जाए। बच्चों ये जरूर ध्यान रखिएगा, वो आपको एक रिएक्शन देगा और रिएक्शन देने के बाद बोलेगा कि यहाँ पर साम्य अवस्था को प्रभावित होने वाले कारकों के नाम लिखिए, ये कौन सी हम यहाँ पे कारक लगाएं, कौन सी कंडीशन लगाएं जिससे उत्पादन बढ़ जाए, जिससे हमें प्रोडक्ट की मात्रा अधिक मिले। प्रोडक्ट की मात्रा हमको तब मिलेगी जब हमारा उत्पादन अधिक होगा, और हमारा उत्पादन तब अधिक होगा जब रिएक्शन हमारी केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। ये तभी हो सकता है जब आप यहाँ पे रिएक्टेंट या अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाएंगे। तो आप जानते हैं कि जब भी आप अभिकारक या रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो इसको, इस सांद्रता के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, यानी साम्यावस्था जो है वो अपने आप को विस्थापित कर लेगी अग्र दिशा में। और अग्र दिशा में क्या है, PCl3 Cl2 यानी इन दोनों गैसों के उत्पादन अधिक होगा, इनकी मात्रा अधिक हो जाएगी। तो क्या आपको स्पष्ट हुआ? ध्यान रखिएगा किसी प्रक्रम में सांद्रता की दृष्टि से अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं रिएक्टेंट की तो वो रिएक्शन के लिए सहायक होगा और वहाँ पर साम्यावस्था चली जाएगी अग्र दिशा में। निष्कर्ष क्या हुआ बच्चों, इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि अभिक्रिया की सहायक होगी। कैसे सहायक होगी, क्योंकि उसमें उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन क्यों बढ़ा है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने से रिएक्शन चली गई है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी PCl3 Cl2 ज़्यादा बनेगा। क्लियर है आपको? लेते हैं ताप का प्रभाव। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को ताप वृद्धि अग्र दिशा में बढ़ाती है, अर्थात इक्विलिब्रियम साम्यावस्था जो है वो अग्र दिशा में स्थापित हो जाएगी या हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एंडोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी रिएक्शन में ताप में कमी सहायक होती है, अर्थात साम्यावस्था अग्र दिशा में स्थापित हो जाएगा और उत्पाद अधिक मिलेगा। यहाँ पे लिया हुआ है हेबर विधि, आप जानते हैं अमोनिया उत्पादन के लिए ये प्रमुख अभिक्रिया है, इसके द्वारा अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन होता है। तो यहाँ पे देखिए N2 गैस और H2 गैस जो है साम्यावस्था में है अमोनिया गैस के साथ। इस अभिक्रिया में ताप उत्पन्न हो रहा है उत्पाद के साथ, उत्पाद भी बन रहा है और ताप भी बन रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी है, उसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो आप बताइए कि मैं यहाँ पे तापमान को कैसे सेट करूँ, कैसे तापमान लगाऊँ यहाँ पे, जिससे मेरी अभिक्रिया जो है वो सहायक हो जाए, जिससे यहाँ पे जो हमारा उत्पादन है अमोनिया की जो मात्रा है वो ज़्यादा मिले। तो बच्चों अमोनिया ज़्यादा तब मिलेगी जब आपकी साम्यावस्था जो है वो विस्थापित हो जाएगी अग्र दिशा में, यानी कि रिएक्शन जो है वो अधिक से अधिक गति करे अग्र दिशा में। और अग्र दिशा में अगर रिएक्शन जाएगी तो बोलो क्या मिलेगा, अमोनिया। यानी कि अगर यहाँ पे आप तापमान कम रखते हैं या ठंडा करते हैं तो अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आपने तापमान बढ़ाया तो आप जानते हैं कि ये इस अभिक्रिया के लिए सहायक नहीं होगा और तब रिएक्शन या साम्यावस्था विस्थापित हो जाएगी बैकवर्ड, यानी अमोनिया की मात्रा कम हो जाएगी। क्या आपको क्लियर है? तो इस अभिक्रिया का निष्कर्ष क्या हुआ, इस अभिक्रिया में ताप में कमी अभिक्रिया की सहायक होगी, अर्थात अधिक उत्पाद मिलेगा। बच्चों ध्यान जरूर रखिएगा कि किसी भी अभिक्रिया का सहायक होने का तात्पर्य होता है अधिक से अधिक उत्पाद मिले। क्या आपको स्पष्ट है? तो हेबर विधि में न्यूनतम या कम तापमान जो होता है वो अधिक अमोनिया उत्पादन के लिए सहायक होता है, क्योंकि साम्यावस्था जो होती है वो अग्र दिशा में स्थापित हो जाती है। अब लेते हैं बच्चों दाब का प्रभाव। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि
किसी भी अभिक्रिया में यदि एन आर इज इक्वल टू एन पी है तो दाब परिवर्तन से साम्य अवस्था प्रभावित नहीं होती। अब सर ये एन आर क्या होता है बच्चों? स्मॉल एन का मतलब होता है गैसीय मोलों की संख्या। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको याद रखना है, गैसीय मोलों की संख्या। अब ये मोल क्या होते हैं बच्चों, ये बताने का समय तो नहीं है, जो नहीं आता है वो चैनल पे जाके मोल के बारे में दो वीडियो हैं उनको देख लीजिए, आपको हमेशा के लिए स्पष्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जहाँ पे भी आप एन लिखते हैं उसका मतलब होता है गैसीय मोलों की संख्या। अब यहाँ पे आप जानते हैं एन आर लिखा है तो उसका मतलब क्या हुआ, आर का मतलब क्या हुआ रिएक्टेंट, पी का मतलब क्या हुआ प्रोडक्ट। तो एन आर का मतलब हुआ रिएक्टेंट के गैसीय मोलों की संख्या, एन पी का मतलब हुआ प्रोडक्ट के गैसीय मोलों की संख्या, उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या, अभिकारक के गैसीय मोलों की संख्या अगर बराबर है तो वहां पर दाब परिवर्तन करने से साम्यावस्था विस्थापित नहीं होगी, नहीं हिलेगी, अभिक्रिया साम्यावस्था में ही रहेगी। क्लियर नहीं हुआ? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे एच आई गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस के साथ में साम्यावस्था बनाए हुए है। तो आप देखिए यहाँ पे एच आई के गैसीय मोलों की संख्या कितनी है, तो आपको देखना होता है कि सामने क्या लिखा है, अगर सामने कोई संख्या है तो वही उस गैस के मोलों की संख्या होगी। तो यहाँ पे कितना लिखा है, दो लिखा है, तो गैसीय रिएक्टेंट के मोलों की संख्या कितनी हुई, दो हुई। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि जो यहाँ प्रोडक्ट है उत्पाद है इसके गैसीय मोलों की कितनी संख्या है, तो यहाँ सर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। बच्चों जब कुछ नहीं लिखा होता है तो उसका तात्पर्य एक होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे कितनी हुई सर, एक प्लस एक, तो यहाँ पे गैसीय प्रोडक्ट की जो संख्या है वो दो है। अब आप बताइए कि यहाँ पे एन आर और एन पी की संख्या क्या है, बराबर है, तो इस अभिक्रिया पे दाब बढ़ाने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको ध्यान रखना है दूसरी कंडीशन, यदि एन आर इक्वल टू एन पी यानी रिएक्टेंट गैसीय मोलों की संख्या प्रोडक्ट के गैसीय मोलों की संख्या के बराबर नहीं है तो दाब वृद्धि साम्यावस्था को उस दिशा में स्थापित करेगी जिधर गैसीय मोलों की संख्या कम होगी। बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। यहाँ पे SO2 और O2 गैस जो है वो SO3 गैस के साथ में साम्यावस्था बनाई हुई है, तो यहाँ पे NR के संख्या देखते हैं, NR का मतलब है रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक के गैसीय मोलों की संख्या, तो कितने हैं, SO2 के दो मोल है, O2 का सर एक मोल है, तो कितने हो गए सर, दो और एक तीन हो गए, NR की संख्या तीन हो गई। NP की बात करते हैं तो यहाँ पे दो लिखा है तो NP दो हो गया। अब आप मुझे बताओ क्या NR और NP समान है, नहीं है, तो क्या यहाँ पे दाब वृद्धि से कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अगर आप दाब वृद्धि करेंगे तो इस अभिक्रिया में साम्यावस्था जो है उस दिशा में जाएगी जिधर गैसीय मोलों की संख्या कम है। तो बताइए किधर है गैसीय मोल कम है, रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, और ये है हमारा अग्र दिशा में। तो अगर आप यहाँ पे दाब बढ़ाते हैं तो साम्य अवस्था जो है वो अग्र दिशा में जाएगा यानी SO3 यानी कि उत्पाद अधिक मिलेगा। तो निष्कर्ष क्या होगा कि दाब वृद्धि जो है वो इस अभिक्रिया के लिए सहायक होगी। ध्यान रखिएगा, क्या आपको क्लियर है ये एक्रिय गैस का प्रभाव? बच्चों एक्रिय गैस आप जानते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, कोई भी गैस आप मिला सकते हैं साम्य अवस्था में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये गैस का प्रभाव केवल तभी होगा जब NR और NP समान नहीं होंगे, असमान होंगे, बराबर नहीं होने चाहिए। तो क्या होगा, एक्रिय गैस मिलाने पर साम्य अवस्था उस दिशा में स्थापित होती है जिधर मोलों की संख्या अधिक होती है। ये बिल्कुल गैस के दाब के प्रभाव से उल्टा होता है। दाब में क्या था, दाब में अगर आप दाब बढ़ाते हैं तो साम्य अवस्था उस दिशा में गई थी जहां मोलों की संख्या कम थी, लेकिन यहाँ पर एक्रिय गैस में साम्य अवस्था उस दिशा में जाती जहां मोलों की संख्या अधिक होती है। ये देखिए हमने फिर से लिया है हेबर विधि, तो साम्य अवस्था में एनआर की संख्या देखो, तो एनआर की संख्या सर ये एक हुई और दो तीन, यहाँ पे सर ये चार हो गया, एनपी की संख्या यहाँ पे दो है, तो क्या एनआर और एनपी की संख्या समान है, नहीं सर असमान है, बिल्कुल सही। तो मैं अगर यहाँ पे साम्य अवस्था में हीलियम या नियोन या आर्गन या कोई और गैस मिलाता हूँ तो साम्य अवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा, अभिक्रिया को सहायक होगा कि नहीं होगा, उत्पाद अधिक बनेगा कि नहीं बनेगा।
तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप इनर्ट गैस यानी एक्रिय गैस मिलाते हैं तो साम्यावस्था उस दिशा में जाएगा जहाँ पे मोलों की संख्या अधिक है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे मोलों की संख्या जो अधिक है वो लेफ्ट साइड है, पश दिशा में है, तो अभिक्रिया या साम्यावस्था जो है वो विस्थापित हो जाएगी बैकवर्ड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और जब ये बैकवर्ड जाएगी तो किसकी मात्रा अधिक होगी, अमोनिया की या N2H2 की? तो जवाब सही बोला आपने, N2H2 की मात्रा अधिक हो जाएगी और अमोनिया की उत्पादन या उसकी जो मात्रा है, सांद्रता है, वो कम हो जाएगी। तो निष्कर्ष क्या होगा, क्या मुझे यहाँ पे एक्रिय गैस मिलानी चाहिए? नहीं सर, इस अभिक्रिया में, कम से कम इस अभिक्रिया में तो यह इस अभिक्रिया के लिए सहायक नहीं है। एक्रिय गैस मिलाने पर साम्यावस्था पश दिशा में स्थापित होगा, बच्चों यहाँ पे बैकवर्ड चला जाएगा, इससे अमोनिया की मात्रा घटेगी और N2H2 की मात्रा बढ़ेगी। उम्मीद है आपको स्पष्ट हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।